जैसे मिसाल तौर पर अगर ये चीज़ हमारी ख़राब हो गई है तो हम इसको सही कर सकते हैं, इस तरह से भी स्क्रेच भी कर सकते हैं, वाइट लगा के भी ठीक कर सकते हैं। अगर हमें कोई पूरा लफ्ज़ ख़राब लग रहा है तो हम उसको दोबारा मिटा, जैसे ये मीम है, अगर बिलफर्ज मैं इसको स्क्रेच ना करूँ, मैं इसको वाइट लगा के सही करूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे ये रे है, नीचे आनी थी, इस तरह से मैं इसको तो एक तरीका तो ये है कि आप दोबारा ऐसी भी काम करें, लेकिन बेहतर यही है कि आप अगला कागज़ लें, यानी कि बटर पेपर आप लें। एक बटर पेपर ये होता है जिसपे ज़रा ये वाइटनेस ज़्यादा होती है, जब आप कुछ चीज़ देखें नज़र ऐसे भी आएगी। और मुझे वैसे इस पर काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये तो हल्का भी होता है, दूसरा ज़्यादा श्रिंक नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा सुखड़ता नहीं है। और एक बटर पेपर ये होता है, अब आप इस पे दोबारा से उसी तरह रेड इंक से आप लिखें, फिर उसकी करेक्शन करें, यानी कि जहाँ से आप दोबारा चले थे उसी तरीके से उससे बेहतर बनाने के लिए आपने उसको दोबारा काम करना है। तीन स्टेप आपने यहाँ किए, फिर दोबारा तीन स्टेप यहाँ करें, फिर देखें मिलाएं वो चीज़ उसकी कितने करीब गई है। और हमेशा ये कोशिश रखें, चाहे आपने पहला दिन ही आपने क्यों ना इस चीज़ को सीखने में लगा किया हो, ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है काम में आगे बढ़ने के लिए, कि हमें जो चीज़ नज़र आ रही है उससे आगे बढ़ना है, उससे अच्छा करना है। उसके लिए करना होगा कि उसको समझना होगा, जितना अच्छी तरीके से उसको समझेंगे तो उससे बेहतर करने की कोशिश भी कर सकेंगे। अगर हमने उसकी अच्छी मशक नहीं की होगी, असातिज़ा को सही तरह से देखा नहीं होगा, नज़री मुताला नहीं किया होगा, तख्तियाँ जो मरकबात हैं वो हमने अगर नहीं निकाली होंगी, तो फिर हमें चीज़ें अच्छी करने में कोई समझ नहीं आएगी। अगर हमने मश्क अच्छी की होगी, हम मुताला करते होंगे, तो हमारी जितनी अच्छी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी उतना ही अच्छा हमारा काम होगा। और आपने देखा कि मैंने बगैर इस चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी, मैं इसके ऊपर रख के भी कर सकता था, लेकिन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, लेकिन क्या जैसा कि चल रहा है आजकल दौर में, ये लोग अपनी बचत करते हैं इसमें, और ये तरीका सही नहीं है बिल्कुल। लेकिन आप देखें, मैंने आपके सामने बिल्कुल थोड़ी सी पहले मश्क की मैंने, और उसके बाद था ताकि हाथ रवा हो जाए, फिर उस चीज़ को देखते हुए और उससे भी छोटे साइज़ में, यानी कि जो साइज़ इस वक्त वो 7.5 मिलीमीटर है, ये इस वक्त 1 सेंटीमीटर का 3/4 हिस्सा है, और ये जो है वो 1 सेंटीमीटर का आधे से भी थोड़ा कम है। तो छोटे साइज़ में करना मुश्किल होता है, मगर आपके सामने देखें इस वक्त ये चीज़ सामने जो शक्ल निकल के आएगी और उसमें जो हमने तब्दीली भी की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मश्क है तो इसलिए कर भी लिया। तो आप मश्क करें और उससे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। मेरी भी कोशिश है कि अगर मैं कोई चीज़ नकल कर रहा हूँ तो उससे बेहतर हो, अगर उससे बेहतर ना कर सकूँ तो फिर पहले तो उस्तादों ने की हुई है तो फिर फ़ायदा क्या उसका करने का। तो ये मेरी अपनी राय है और मेरी अपनी सोच है ये। और अब जो हम इसके स्टेप्स करेंगे दोबारा से, तो वो जो होंगे वो इससे हम बेहतर करेंगे। ये हमारा 1 घंटे में तकरीबन 3 स्टेप में हमारा काम हुआ है। तो अगर जो है हम इस पेपर के ऊपर भी बना सकते हैं और इसके ऊपर भी हम लिख सकते हैं। मैं वैसे इसी पे काम करता हूँ, लेकिन मैं फिल वक्त उस पर नहीं करूँगा, ताकि देखने वालों को आप लोगों को ना बाद में समझ में आए, तो ये ज़रा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और बहुत ज़्यादा हाई ग्राम की नहीं होनी चाहिए। ये इस वक्त जो ग्राम है इसका वो तकरीबन 60-65 ग्राम का है ये। अच्छा, इसके ऊपर क्या करेंगे हम, हल्का सा इस पर भी पाउडर जो है हल्का सा, क्योंकि बाद अवत इसकी सतह चिकनी हो जाती है, वो जो थोड़ी सी ग्लेसी आ जाती है, चिकनाई आ जाती है इसके ऊपर की सतह पर, तो उसको हम ख़त्म करते हैं इस तरह से। एक तरीका ये है इसका कि हम इसको ये भी हम कर सकते हैं कि इसकी पहले हम पेंसिल स्केच कर लें और अपने थोड़ा सा खिसका के इधर करके उधर करके इसको सेट करके फिर हम इसको भरना शुरू करें। लेकिन मैं चूंकि इस वक्त जो तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका तो सबको उमूमन इस्तेमाल किया जाता है, मैं वो तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें पेंसिल को टच भी नहीं करते हैं, तो लिहाजा मैं वापस कलम से ही काम करूँगा, क्योंकि हमें फोकस रखना है कलम के ऊपर।
अभी तक मैंने कोई लाइन भी नहीं, मैंने कोई इसकी ओवल अभी मैंने शेप भी नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे ये देखना है कि जब भी मैं कोई काम करूँ तो मुझे आई लेवल पे बहुत इसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, आई लेवल के अपने हिसाब से। हमारी नज़रों को वो चीज़, वो साइज़ हमें कैसा लग रहा है, वो मजमू तासुर, वो शक्ल कैसी लग रही है, उसे हमें देखते हुए चलना पड़ता है। बाज़ औक़ात हम एक चीज़ का निशान लगाते हैं और वो फिर हमें आगे पीछे करनी पड़ती है। इसी वजह से मैं इसको लाइन नहीं, इसकी बाकायदा परफेक्ट मैं इसका शेप इसकी नहीं ले रहा हूँ, ओवल शेप जो हम बनाते हैं, बल्कि मैं इसको अंदाजे से चलना चाह रहा हूँ। मैं जितना अच्छा हमारा अंदाज़ा होगा वो ज़्यादा बेहतर है, अच्छे से अच्छा अंदाज़ा करने की कोशिश करें और आँख से पकड़ने की कोशिश करो इसको, कि आँखों से आपकी वो चीज़ हो कि बिल्कुल बैलेंस में आ जाए वो, फिर उसके बाद आप नाप तोल करो तो वो चीज़ अच्छी लगेगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये हमारा दूसरा सफ़ा है और चौथा मरहला है हमारा। पहले हमने सफ़ा लिया था, रेड इंक से हमने किया इसको देख देख के, पहले हमने चूँकि मश की थी हमने, फिर उसके बाद खुश किया, पाउडर लगाया, फिर दोबारा रेड इंक से थोड़ी और करेक्शन की, फिर हमने खुश किया, पाउडर लगाया इसको, ड्राई होने के बाद, पाउडर लगाने के बाद जब बिल्कुल ये ड्राई हो गया तो हमने इसको ब्लैक से किया। तीन स्टेप में हमने इसको किया, थ्री स्टेप के बाद अभी हमारा फोर्थ स्टेप है, चौथा मरहला है हमारा। और अब हमने इसको करना क्या है, जैसे हमने पहले निशान लगाया था, मैं इस वक्त सामने इसको रख करके करूँगा, आप ऐसे इसी को रखो उसको, वो तुम वहाँ से देख रहा हूँ मैं, तो बाद में हम इससे तफसा करेंगे। ये हमने अलीफ थोड़ा सा नीचे करना था इसकी सील में, अगर आपको ये डर है कि आप जो है वो याद नहीं रख पाएंगे किसी चीज़ को, कौन सी चीज़ कहाँ करनी थी कहाँ नहीं करनी थी, फिर आप पेंसिल का इस्तेमाल करें, फिर आप पेंसिल से निशान वगैरह लगा लें आप अपने। ये मना नहीं है पेंसिल का इस्तेमाल करना, लेकिन बेहतर ये है कि जो इस वक्त मैंने बताया आपको। लेकिन अगर आपको इसका भी नहीं अंदाज़ा सही हो पा रहा है कि भैया दोबारा कहीं आपसे इतनी, क्योंकि ये होता है बाज़ोकात पीछे हमने इतनी मेहनत की होती है और आगे हमने मेहनत ज़ाया होने का ख़तरा होता है, तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप उसको फिर पेंसिल का निशान से आप कर लें। अच्छा आप देखें, ये थोड़ा सा मुझे अलीफ को इधर करना है हल्का सा, क्योंकि इसमें आप देखें, इसमें देखें ये करीब है ये, और जो पहले मैंने किया था ये थोड़ा सा दूर है ये, तो हल्का सा बस, मामूली सा, एक एक मिलीमीटर बस, बल्कि हाफ मिलीमीटर आप उसको कर लें। अच्छा ये हमसे थोड़ा बड़ा हो गया था मुझसे, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ से शुरू करूँगा ये। और अब मुझे थोड़ा सा एहतमाम से इसको, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाथ नहीं चलाना होगा, बहुत एहतमाम से इसको करना होगा ताकि मेरा काम अच्छे से अच्छा हो। अगर पीछे मैंने पहले सफ़े पे जो हमने थ्री स्टेप्स हमने किए हैं, अगर हमारा जो काम है ये कैलीग्राफी वर्क अगर हमारा 35% 40% अगर अच्छा हुआ है, तो अब दोबारा 50% 60% 70% पे हमें जाना चाहिए, ये ना हो कि हम फौरन पीछे जाने लगें। अब हमें इसके ख़त पे भी ध्यान देना है, इसकी कैलीग्राफी का भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा नीचे करूंगा मैं, क्योंकि ये यहाँ पर मुझे शर को लेके आना है। अब देखें ये जो शर है इसको थोड़ा सा मुझे नीचे खिसकाना, ये मैंने खिसका दिया,